हाँ, मेरे को फ्रेंड बिल्कुल मन ही नहीं करता, क्योंकि मेरी नाभि भी बहुत जल्दी नाभि धारण होती है, पता नहीं क्यों कैसे। एक तो मैं बहुत ऊपर रहती हूँ ना, 2-3 मंजिल ऊपर रहती हूँ, इसलिए ना थोड़ा जीने में चढ़ना मुझे भी पड़ता है। तो क्या पता उसके ऊपर वजह से नाभि धारण हो गई हो, तो वो तो खाली पेट ही पता लगता है, पर मेरे को दर्द नहीं बंद हो रहा था, इसलिए मैं आ नहीं कर रही हूँ। वैसे चाय नाश्ता ही किया है, खाना तो नहीं खाया है, लेकिन चाय नाश्ता किया है, और मैंने आज सुबह से कोई भी काम नहीं किया, इसलिए मेरा किसी चैनल में भी वीडियो नहीं बनाने की इच्छा करता। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है सच में, ये यहाँ पर। गुरु को बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड, मैं भी अच्छी हूँ, पर थोड़ा सा तबीयत डाउन है इस समय, क्योंकि आज 3-4 दिनों से मेरे पेट में फिर से बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, जैसे पहले होता था। तो पहले मैंने अल्ट्रासाउंड कराई थी, तो बताया था कि जो कलेजे होते हैं, कलेजा बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसमें छाले पड़े हैं। मैंने चैनल पर अपने बड़े वाले अपलोड किया है वीडियो, जिसको यकीन ना हो जाके देख लें, क्योंकि उसमें मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अभी भी यहाँ भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है फ्रेंड, या यहाँ पे फिर से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, यहाँ जो दुखदुखी होती है यहाँ पे और यहाँ पे। कम से कम हमारा 1-1.5 महीना इलाज चला था, उसके बाद मेरे पेटों में आराम मिल गया था काफ़ी हद तक। फिर जब से मैंने, मतलब क्या बताऊं, कोई कह नहीं सकती कि क्या हुआ है मेरे पेट में। तो अभी हस्बैंड जी आए थे 1 बजे खाना खाने, और वो खाना खा के भी चले गए, मेरे को भी बोला खा लो, लेकिन मैंने खाया नहीं है, और बोल के गए हैं कि खा लेना, पर 3 बज चुके हैं, आपको दिखाती हूँ, अभी तक मैंने खाया ही नहीं। ये देखिए घड़ी आप सभी को दिख रही होगी, 3 बज चुके हैं और मैं लेटी हूँ, अभी तक खाई नहीं हूँ। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा मैं तेल लेके हाथे से पेटों को सहलाती हूँ, क्या पता थोड़ा बहुत राहत मिल जाए। बोल के गए कि गर्म करके पानी थोड़ा सिंचाई कर लेना, लेकिन मैंने नहीं किया है। तो देखती हूँ आराम मिलता है कि नहीं, अगर गैस बनी होगी तो ठीक ही हो जाएगा, लेकिन आज 3 दिनों से दोस्तों ऐसा ही दर्द है। खाने को फ्रेंड बिल्कुल मन ही नहीं करता, क्योंकि मेरी नाभि भी बहुत जल्दी नाभि धारण होती है, पता नहीं क्यों कैसे। एक तो मैं बहुत ऊपर रहती हूँ ना, 2-3 मंजिल ऊपर रहती हूँ, इसलिए ना थोड़ा जीने में चढ़ना मुझे भी पड़ता है। तो क्या पता उसके ऊपर वजह से नाभि धारण हो गई हो, तो वो तो खाली पेट ही पता लगता है, पर मेरे को दर्द नहीं बंद हो रहा था, इसलिए मैं आ नहीं कर रही हूँ। वैसे चाय नाश्ता ही किया है, खाना तो नहीं खाया है, लेकिन चाय नाश्ता किया है, और मैंने आज सुबह से कोई भी काम नहीं किया, इसलिए मेरा किसी चैनल में भी वीडियो नहीं बनाने की इच्छा करता। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है सच में, ये यहाँ पर। गुरु। तो फ्रेंड आप सब सजेस्ट किया करो, बताया करो कि कैसी वीडियो में बनाऊं। गुरु 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 हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना कुछ चल रहा पेट में। अगर थोड़ा बहुत राहत होगी तो मैं कल सोच रही हूँ कि किसी
जो जानकार हो उससे मैं मालिश कराऊं। वैसे मालिश तो मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ अपने हाथ से, लेकिन खुद का पेट थोड़ा मुश्किल होता है ना करना। बाकी नाभिधारण में ठीक कर लेती हूँ, 2-3 तरीके मुझे आते हैं, मैंने अपनी नानी से भी सीखा है और एक हमारी गांव में दादी रहती थी उनसे भी मैंने सीखा, वो भी बहुत अच्छे बनाती हैं। तो 3 बज चुके हैं फ्रेंड, खाना खाने का इच्छा ही नहीं हो रहा, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। इसी तरह मेरी ननद जब आई थी तो उनका भी हट गया था, तो मैं ही ठीक किया था, लेकिन हाँ दोस्तों मुझे 4 दिन उनके पेट मालिश में 4 दिन लग गए थे। 4 दिन में उनकी नेवल में ठीक कर दी थी, क्योंकि वो उनकी इतनी लैट्रिन लगी थी, इतनी लैट्रिन, पर मेरे को दोस्तों झूठ में बोलने का लैट्रिन नहीं लगी है, बस दर्द होता है, और उस बार भी ऐसे ही दर्द हो रहा था। तो बता रहे थे कि मैंने 2-2 अल्ट्रासाउंड कराए, 1 अल्ट्रासाउंड में कुछ भी ना निकला, दूसरे लैब में कराए तो उसमें निकला है, इसलिए फिर मैंने 1-1.5 महीने दवाई खाई है, फिर बंद कर दिया। फिर सोचा पता नहीं कौन सा रिपोर्ट सही है कौन सा गलत है, तो इसलिए दवाई पूरा खाया भी नहीं, 1-1.5 महीने में ही बंद कर दिया था। तो दोस्तों आप सब बताना कैसे हो, और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस की हफ्ते, धनतेरस आज है, धनतेरस, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो फ्रेंड अभी थोड़ी देर और देखेंगे, आराम होगा तो होगा, नहीं पानी से भी सिकाई करेंगे, शायद उससे आराम मिल जाए कुछ, पर थोड़ा मुझे राहत मिलता है ऊपर से जब नीचे को ठेलती हूँ, तो इससे थोड़ा मुझे बहुत आराम मिल रहा है। तो फ्रेंड ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। बाकी तो अभी हम मालिश करेंगे ही, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप सब भी मेरा साथ और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। सच में कसम से मैं बोल रही हूँ, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, सिर्फ की वीडियो ही बना रही हूँ, मैं अपनी कसम खा के कहती हूँ कि मेरे पेट में सच में बहुत दर्द है, और आज 3 दिन से है, पहले भी ऐसे ही होता था। मैंने 2 अल्ट्रासाउंड भी खिंचवाया था और बहुत सारे टेस्ट भी कराया था, तो टेस्ट में तो बहुत सारी कमियां निकली थी, लेकिन अल्ट्रासाउंड में एक में हाँ कलेजे का ही लीवर बोलते हैं शायद ना, लीवर में ही छाले पड़े थे, अब मेरे को याद आ रहा, लीवर में ही छाले पड़े थे, और पता नहीं क्यों छाले में, ना कोई नशा करती हूँ ना कोई कुछ से कुछ, मतलब कैसे छाले पड़ गए मुझे खुद भी नहीं समझ आता कि मैं कोई नशा पट्टी करती नहीं हूँ, और मेरे को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, जो नशा करते हैं उनको होना चाहिए ना, पर उनको तो होता ही होता है, मैं कोई नशा नहीं किया, मुझे भी ऐसा हो गया। तो 1 अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आया, 1 अल्ट्रासाउंड में आया है, जो कि मैंने 1 से 1.5 महीने पूरा दवाई खाई थी दोस्तों, 1-1.5 महीने बाद मुझे काफी आराम हो गया, तो मैंने दवा बंद कर दिया। सच बताओ तो एक दिन अपने हस्बैंड से झगड़ा किया और उसी दिन से गुस्से में मैं दवाई ही नहीं खाई। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक का बाय, अपना ख्याल रखिए, हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस।